बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स या कौन कौन से डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी जूनियर टीचर की। अच्छा, इसको शेयर करने से पहले एक बात छोटी सी मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये कि काइंडली वीडियो एटलीस्ट उतनी ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है कॉमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर ये बता दें कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हालाँकि वीडियो में उन तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मुझे होता है कि मैं मतलब वो वीडियो इतनी डिटेल से बनाने का शायद कोई फ़ायदा नहीं होता या मकसद वो पूरा नहीं होता, ठीक है। तो आप वही वाला क्वेश्चन दोबारा जब नीचे कमेंट में करते होते हैं, जब एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ तो हाँ उससे कोई डिफरेंट क्वेश्चन करें आप, जो अगर मैंने वीडियो में नहीं बताया तो फिर ज़रूर मैं उसको मतलब कल भी कुछ कमेंट्स में कैंडिडेट्स ने यह कहा सर इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें, वो चले एक डिफरेंट क्वेश्चन था मैंने शेयर कर दिया। इसी तरह कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ, बट ये है कि जो क्वेश्चन का आंसर वीडियो में बता देता हूँ कि आप ये लोग ये कैंडिडेट्स ये डिग्री होल्डर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली जस्ट फिर वही होंगे। आप फिर भी वो क्वेश्चन वही वाले कर रहे होते हैं, आप वीडियो नहीं वॉच करते, आप एटलीस्ट उतनी ज़रूर देखा करें कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये भी बता दूं कि इसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। अगर आप ख़ुद सबमिट करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उसके लिए मुझे सिंपली कॉमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी जूनियर टीचर इंग्लिश की, ठीक है। एक ही पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास या तो एमएस की डिग्री हो, या तो एमए की डिग्री हो, या बीएस की डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में, ठीक है। इन तीनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है, एमएस, एमए, एमबीएस वगैरह, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम एचएससी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम फर्स्ट डिवीजन या 2.5 सीजीपीए या 60%, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या 2.5 सीजीपीए होना चाहिए या 60% इन द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री मीन्स कि जो लास्ट डिग्री आपके पास होगी वो सपोज एमफिल है, वो बीएस है, एमए है, पीएचडी है, जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है उसमें आपकी 60% जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी। अगर आपके पास 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास बीएड, एमएड और 3 साल का 2 साल का 1 साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, जस्ट मास्टर की डिग्री आपके पास है, तो भी आप एलिजिबल हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने के, ठीक है। ये क्लियर मैंने आपको बता दिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएड, एमएड वगैरह की डिग्री नहीं है, 2 से 3 साल या 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब लोग ये देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बीएड, एमएड उन्होंने कहा है जी प्रेफरेंस दी जाएगी, या 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है, तो मोस्टली फिर ये होता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं करते, और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया होता, तो फिर इस वजह से फिर कोई सारे रह जाते हैं। तो अक्सर ऐसे होते हैं, उन्होंने ये मेंशन भी किया होता है, यहाँ तो इन्होंने नहीं मेंशन किया, बट होता ऐसे ही है कि अगर बीएड, एमएड वाले या 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई ना करें तो फिर जो फ्रेश होते हैं उन्हीं को वो इंटरटेन कर देते हैं, कंसिडर उन्हीं को करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 25 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है, 35 से 40 हज़ार तक आपको सैलरी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है जूनियर टीचर कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। अब ये भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एक ही वैकेंसी है, और सेम दोबारा से यही क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने एक दफ़ा आपको बता दिया। इस सब्जेक्ट में आपका एम एस, एम ए, बी एस वगैरह है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं वही सेम है इन तमाम के लिए। फिर जूनियर टीचर
उर्दू इस्लामियात के लिए उनकी भी यही सारी डिटेल्स हैं। आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, 60% हाईएस्ट डिग्री में आपके मार्क्स हों, बीएड एमएड अगर किया तो प्रेफरेंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो भी प्रेफरेंस है, अदरवाइज फ्रेश हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर टीचर मैथ्स के लिए एक ही वैकेंसी है, इनकी भी यही डिटेल्स हैं, यही क्राइटेरिया है। फिर जूनियर टीचर जो है वो जनरल साइंस के लिए उनकी वो भी एक ही पोस्ट है और यही क्राइटेरिया है, ठीक है। 25 से 40 साल तक अगर आपकी एज हो और 35 से 40 हज़ार आपको सैलरी दी जाएगी। अच्छा, फिर आगे आ जाएँ और ये भी बता दूं कि ये इनमें से कुछ जो टीचर्स हैं उनको बॉयज़ जो कैंपस है उसमें अपॉइंट किया जाएगा और कुछ को जो है वो गर्ल्स कैंपस में अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, फिर आगे है मंटेसरी टीचर फीमेल। अब फीमेल जो मंटेसरी टीचर, इनकी 4 वैकेंसीज हैं। इसमें आपने एमएस, एमए, बीएस वगैरह अगर आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया है, ठीक है, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन आपकी ये 2.5 CGPA या 60% आपके हाईएस्ट डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। मंटेसरी का अगर आपके पास डिप्लोमा या ECCE का डिप्लोमा होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम अगर 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा मंटेसरी लेवल का तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास लास्ट 2 जो पॉइंट्स हैं ये नहीं है, ये फर्स्ट उन्होंने जस्ट, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, जस्ट डिग्री है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो मंटेसरी टीचर है इसमें जस्ट फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 साल तक एज होनी चाहिए और 35,000 आपको सैलरी दी जाएगी। फिर PTI फीमेल और एक ही वैकेंसी है और इसमें आपके पास MA होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास BA BSc की डिग्री है, 2 साल की डिग्री होती है वो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन अगर आपकी उसमें है 2.0 CGPA अगर आपके पास है, उसमें 60% आपके पास उस डिग्री में मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो तब भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास MA फिजिकल एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, जस्ट BA BSc की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 30 से 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और 40,000 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और इसमें जो प्रोविंस है वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ये बताऊँ कि वैसे बाकी जो प्रोविंस के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो तब अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पर रहते हैं पेशावर में बट आपका प्रोविंस कोई और है, सिंध है, अगर आपका प्रोविंस जो है वो उसके अलावा आपका इस्लामाबाद है, पंजाब है, कोई भी है, अप्लाई तब भी कर सकते हैं। मगर ये है कि अब ये इदारा जो है वो एक पेशावर में आता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से आप वहाँ इजीली जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी रिहाइश का कोई बंदोबस्त वगैरह कोई इस तरह का सीन कर सकते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होगी आपके लिए, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बस इसमें आपके लिए है कि आप अगर इजी हैं तो नोट डिसीरियस कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू MLNC कैरियर पोर्टल। ये यहाँ पर पोर्टल दिया है, इस पोर्टल को आपने इस लिंक को आपने सिंपली गूगल पर पेस्ट करना है और आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है 2024, ठीक है। तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाइएगा। एक और बात ये भी बता दूँ कि इसमें ये जो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे इसमें आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट में लास्ट में मेंशन भी है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें फर्स्ट 6 मंथ का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल का जो इनिशियली आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा, ठीक है, ऑन एनुअल बेसिस, यानी कि हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता रहेगा और 3 साल का ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सटेंडेबल है, ठीक है, हर साल आपका ये रिन्यू पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन भी है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो है जस्ट इंटरव्यू होगा, वो भी आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बेस पर आपको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज, द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज शैल ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी एंड प्लस उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपीज करवा कर 2 सेट्स बना लेने और उन सेट्स को आपने अटेस्ट करवाने किसी भी 16-17 ग्रेड के ऑफिसर से। वो 2 सेट आपने अपने साथ लेके जाने और उन 2 सेट्स में आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और CNIC की कॉपी भी साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू अपने साथ लेकर चले जाने हैं और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड देन फिर आपकी फर्दर जो फाइनल सेलेक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है। तो
ये डिटेल्स थी आपके जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जूनियर टीचर की, जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।